नमस्कार दोस्तों, ओपन सोर्स कुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो के साथ हम अपनी वेब डेवलपमेंट श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं और इस पहले वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की पहली कड़ी जो कि है HTML। अब अगर आपने HTML पहले नहीं सीखा है तो आप बिल्कुल यहां से शुरुआत कर सकते हैं। इस श्रृंखला में हम HTML5 से शुरुआत करेंगे। अगर आपने HTML का कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल किया है तो आप HTML5 की शुरुआत यहां से कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि HTML5 पुराने वर्जन से किस तरह अलग है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं अपनी वेब डेवलपमेंट श्रृंखला को HTML के साथ। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठेगा वो ये है कि ये HTML क्या है और यही हमको सबसे पहले क्यों सीखना है। क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। आप सबने इंटरनेट का तो खूब इस्तेमाल किया होगा, तो सबसे पहले समझने की चीज ये है कि इंटरनेट में आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जो भी पेज आप देखते हैं वह प्रायः HTML में ही बना हुआ होता है। तो ये HTML क्या है? HTML एक भाषा है जिसके प्रयोग से आप ये वेब पेज बना सकते हैं, जिन्हें हम एक टूल है जो आप जिसको आप वेब ब्राउजर कहते हैं उसमें से आप ये देख सकते हैं। तो वेब ब्राउजर असल में करता क्या है कि जो आपने HTML लिखा है उसको पढ़ता है और उसमें लिखे हुए आपके निर्देशों को एक बढ़िया रूप में प्रस्तुत करता है। तो चलिए देखते हैं एक झलक कि HTML होता कैसा है। तो देखिए, ये एक वेब पेज है। आप किसी भी वेब पेज में जाएंगे तो आप उसका HTML तो देख ही सकते हैं। तो आपने वेब ब्राउजर का तो प्रयोग किया ही होगा। तो अगर आप इस पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं तो ये आपको इसका HTML दिखाएगा। तो आप अगर देखेंगे इसमें काफी कुछ नजर आएगा, आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये HTML लिखा हुआ है और ये सारा जो आप देख रहे हैं HTML है और इसी के बीच में होता है हमारा कंटेंट जिसे हम बोलते हैं, इसी के बीच में आता है। तो HTML के प्रयोग से आप इस तरह के कुछ पेज बना सकेंगे। तो एक सवाल और जो आपके मन में आएगा वो ये है कि HTML क्या है। HTML का अंग्रेजी में पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम इसके हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे, तो हम शुरुआत करते हैं इन चीजों से कि हम HTML कैसे लिख सकते हैं और HTML लिखने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो HTML क्या है, इस बारे में तो हम बात कर चुके हैं। यह एक भाषा है जिससे आप वेब पेज बना सकेंगे। अब HTML लिखने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी ये देखते हैं। चलिए देखते हैं HTML सीखने के लिए और HTML पेज बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। साधारण सी बात है, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, आपको चाहिए होगा एक टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा टूल है जिसमें आप साधारण टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसके लिए आप कोई भी साधारण टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं।
बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं जो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस श्रृंखला के लिए एक टेक्स्ट एडिटर यूज करूंगा जिसका नाम है जीनी, जो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल टेक्स्ट एडिटर नहीं चाहिए, पर ये जीनी टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हमें कार्य करने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नेट पे थोड़ा ढूंढ लीजिए कि HTML के लिए कौन से टेक्स्ट एडिटर अच्छे रहेंगे, और अपनी पसंद से एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, हम जो भी वेब पेज बनाएंगे इनको देखने के लिए कि जो हमने HTML लिखा है ये ठीक लिखा है नहीं लिखा है, और इसका आउटपुट कैसा आ रहा है या पेज कैसा बना है, ये देखने के लिए हमें एक वेब ब्राउजर चाहिए होगा। तो वेब ब्राउजर मैं समझता हूं कि आपके कंप्यूटर में पहले से ही होगा, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउजर है। मैं चाहूंगा कि आप फायरफॉक्स या क्रोमियम वेब ब्राउजर या क्रोम, इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करें। मेरे पसंद का वेब ब्राउजर फायरफॉक्स रहेगा, तो मैं ज्यादातर आपको इसका आउटपुट फायरफॉक्स पे ही दिखाऊंगा। पर अच्छा ये रहेगा कि हम सब एक ही जैसा वेब ब्राउजर प्रयोग में लाएं। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी सीखने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा है तो आप जरूर सीख पाएंगे। अब हम देखते हैं HTML के बारे में थोड़ा सा विस्तार से कि HTML क्या है। HTML एक मार्कअप भाषा है। इसको मार्कअप क्यों बोलते हैं ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। इससे हम वेब पेज बनाते हैं, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। इसमें थोड़ी सी चीज ये है कि HTML के जो मुख्य अंश हैं या HTML का जो कोड है वो हम अंग्रेजी में ही लिखेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ी अंग्रेजी आनी तो बनती है। HTML भाषा में क्या आएगा, क्या जाएगा, इसमें क्या नया होगा, ये निर्धारित करती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं ये क्या है। इधर आपको HTML के बारे में और जानकारी भी मिल सकती है, पर यहाँ जानकारी ज्यादातर टेक्निकल होती है, तो इधर शुरुआत में आपको समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है। पर आप एक बार इस साइट पे जाके जरूर देखिए कि क्या है, आपको HTML क्या है और HTML संबंधित और क्या चीजें हैं वो भी आपको यहां से पता चल सकती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्सियम ये HTML के मानक निर्धारित करती है और उनका रखरखाव करती है। तो चलिए देखते हैं कि एक HTML पेज में क्या होता है और ये कैसे बनता है, और इसी के साथ मैं आपको समझा दूंगा कि इसे मार्कअप भाषा क्यों बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक HTML पेज का ढांचा है जो आपको हर बार लिखना होगा, कभी भी आपको HTML पेज बनाना हो तो। अगर हम एक HTML पेज बनाना चाहते हैं तो इतना हमें लिखना अनिवार्य है। इसके अलग-अलग हिस्सों के बारे में मैं अभी बात करूंगा, पर देखते हैं अगर हम कुछ ऐसा लिखें तो उससे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर खोल लेता हूं। अब इसमें मैं ये HTML, अब इस टेक्स्ट एडिटर में थोड़े फायदे ये हैं कि मुझे ये जो आप HTML का कोड देख रहे थे ये मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ढांचा इसमें पहले से ही बना हुआ होता है। तो यहां से जाके मैं HTML का ढांचा खोल लेता हूं। इसमें कुछ चीजें ज्यादा होती हैं तो मैं उन्हें अभी के लिए निकाल देता हूं। तो आप देख सकते हैं जो यहां पे लिखा है लगभग वही है। अब इसमें मैं यहां पे आप इसमें ये वाला हिस्सा जो है
जो आपको जिसको हम कंटेंट बोलते हैं या जो आपके पेज की सामग्री है या कथन है, वो आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। बाकी ये जो हिस्से हैं ये आपको अंग्रेजी में ही लिखने पड़ेंगे फिलहाल। तो अब इसको हमें सेव करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपको पहले से ही आती हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। आप फाइल सेव बोल सकते हैं। जब आप सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन या अंतिम भाग HTML या HTML होना चाहिए। इसको मैंने सेव कर लिया। अब आपको ये जो है अपने वेब ब्राउजर में खोलना पड़ेगा ये वाला पेज। तो आपको ये कैसा इसका आउटपुट आ रहा है वो दिखेगा। तो ये है मेरा पेज यहां पे, इसको तो ये देखिए हमने जो भी लिखा था उससे ये HTML पेज तैयार हो गया है। तो ये है एकदम साधारण तरीका HTML लिखने का कि आपका एक HTML पेज बन के तैयार हो गया। इसमें फिलहाल तो लगभग कुछ भी नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे हम सीखेंगे आप काफी कुछ बदलाव कर सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको पहले कि मार्कअप क्यों बोलते हैं। तो इसको मार्कअप इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम निशान लगाते हैं और हम अपने कंप्यूटर को या वेब ब्राउजर को बताते हैं कि इसके बीच में जो भी कथन आया है उसका क्या करना है। तो मार्क लगाना या चिन्हित करना, तो हम इसको चिन्हित करते हैं, चिन्ह लगाते हैं एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक चिन्हित कर देते हैं और कहते हैं कि इससे हमें क्या करना है। तो जैसे मैं आपको एक साधारण दिखाता हूं, इसको मैं बदल देता हूं यू से। यू का अर्थ होता है अंडरलाइन, मतलब एक नीचे रेखा खींच देना। और इसको मैं फिर से सेव करूंगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ भी बदलाव करेंगे, एक छोटा सा भी बदलाव है उसे आपको सेव करना पड़ेगा, फिर आप जाके ब्राउजर में इसे रीलोड करेंगे। दोबारा से हम इसको रीलोड करेंगे। तो अब मैंने क्या किया है, ये जो हमारा कथन है इसको मैंने चिन्हित कर दिया है यहां से, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मार्कअप। इसको हमने मार्कअप कर दिया है। इस जगह से हमने शुरुआत करी है, दिस जो लिखा है यहां से शुरुआत हुई है और यहां तक। तो अब जो हमारा वेब ब्राउजर है जब वो हमारा ये कोड पढ़ेगा तो यहां से इस स्टार्टिंग से ये इसको अंडरलाइन कर देगा यहां तक। तो उसको समझ में आ जाएगा कि कहां से कहां तक क्या करना है। तो इसी को कहते हैं मार्कअप, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है मार्कअप लैंग्वेज। तो हम हर जगह चिन्ह लगाते जा रहे हैं कहां से कहां तक क्या करना है। तो अब देखते हैं इससे क्या हुआ है। तो यहां पे इसको हम रीलोड कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमने चिन्हित किया था ये अंडरलाइन हो गया है, इसके नीचे रेखा आ गई है और दूसरा भाग अंडरलाइन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब होता है मार्कअप लैंग्वेज। तो इसी तरह आप जब ध्यान से देखेंगे तो हर जगह से चीजें चिन्हित हैं और मार्कअप किया हुआ है ऊपर से नीचे तक कि कहाँ से कहाँ तक क्या करना है। जैसे जैसे हम ये देखेंगे कि इन सब चीजों का क्या क्या मतलब है आपको समझ में आता जाएगा कि अलग अलग क्या है। तो चलिए ये देखते हैं, जो हमने अलग अलग इसमें लिखे हुए हैं शब्द जो कि ब्रैकेट में हैं, इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि जिन चीजों से हम अपने कंटेंट को या अपने कथनों को चिन्ह लगाएंगे, इन चिन्हों को हम कहते हैं टैग। तो ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी ये टैग होते हैं, ज्यादातर इन टैग्स जो टैग है
इसका एक बंद करने का भी टैग होता है, जो आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने आपको यह दिखाया था, एग्जाम्पल एक उदाहरण दिखाया था, ये यू लिखा है तो ये बंद करने का टैग होता है, और जो बंद करने का टैग होता है उसमें ये स्लैश लगा हुआ होता है। बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का, जो शुरुआत जिससे होती है वो बिना स्लैश के होता है, और बंद करने वाला उसमें स्लैश लगा हुआ होता है। तो ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को अलग अलग निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को या फिर हम कह सकते हैं हमारे वेब ब्राउजर को अलग अलग निर्देश देते हैं कि उसके बीच में दिया हुआ कथन जो है या जो भी उसके बीच में है उसको किस प्रकार समझना है और हमें अपने ब्राउजर में वो किस तरह दिखाया जाएगा। दूसरा शब्द इस्तेमाल में आता है जब आप HTML सीखेंगे तो एलिमेंट। एलिमेंट होता है एक पूरा टैग, उसके अंदर का हिस्सा और बंद किया हुआ हिस्सा, इसे हम एलिमेंट कहते हैं। ये आपको समझना अभी इतना जरूरी नहीं है इसको एलिमेंट क्यों कहते हैं, पर बाद में जब आप जावास्क्रिप्ट या दूसरी चीजें सीखेंगे तब आपको इसकी जरूरत होगी। और एक तीसरा निर्देश इसमें होता है जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो हर एक टैग के अंदर कुछ और निर्देश होते हैं, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। इन निर्देशों से हम और अधिक जानकारी दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को या अपने ब्राउजर को कि जो इसका काम है उससे अधिक हमें और कुछ करना है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं उदाहरण में दिया हुआ है, पी है पैराग्राफ टैग, और अलाइन मतलब हमें यह किस तरह दिखाना है, बीच में दिखाना है, दाएं दिखाना है या बाएं दिखाना है। तो पी अलाइन सेंटर का मतलब है इसे बीच में दिखाइए। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसको हम पैराग्राफ में बदल देते हैं और इसको भी हम पैराग्राफ में बदल देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम फिर से, इसको मैंने सेव कर लिया, सेव का शॉर्टकट होता है Ctrl+S, तो मैं बार बार यहां जाके नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे Ctrl+S दबा दे रहा हूं, उससे ये सेव हो जा रहा है। और इसको दोबारा से लोड करने का है Ctrl+R, तो ये लोड हो गया। तो इसको मैंने पैराग्राफ में बदल दिया है पर अभी आपको कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां पे हम एट्रीब्यूट डाल देते हैं और एक निर्देश दे रहे हैं, सिर्फ पैराग्राफ बनाने के अलावा भी हमें इसको एक निर्देश देना है कि हम चाहते हैं कि ये बीच में दिखाई दे। तो ये निर्देश दे दिया है, इसको मैंने सेव कर लिया है। अब देखते, तो अब आप देखिए ये कि मेरी विंडो के बीच में आ गया है। तो ये हुआ एक अधिक निर्देश जिसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ऐसे कई सारे एट्रीब्यूट हैं और अलग अलग जो टैग हैं उनके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। कुछ एट्रीब्यूट समान भी हो सकते हैं और कुछ एट्रीब्यूट कुछ टैग्स के लिए ही होते हैं। यही सब चीजें हमें देखनी है और इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे ये भी हम सीखेंगे। अब हम देखते हैं ये जो हमने HTML का एक उदाहरण लिया है उसमें क्या-क्या लिखा है और क्या है। HTML जो है वो हम साधारण टेक्स्ट में लिखते हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले ब्राउजर को बताना होता है कि हम कौन से HTML के वर्जन में अपना कोड लिख रहे हैं। तो ये जो सबसे पहली लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये होता है निर्देश ब्राउजर को बताने के लिए कि हमारे HTML का वर्जन कौन सा है। क्योंकि हम HTML5 पे काम करेंगे तो उसके निर्देश की लाइन इन्होंने बहुत ही आसान बना दी है, और वो लाइन है ये जो आप देख रहे हैं, डॉक टाइप HTML, इसको हम एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, और ये ब्रैकेट के अंदर आपको लिखनी है। ये है निर्देश HTML5 का। अगर आप HTML5 नहीं प्रयोग में ला रहे हैं या फिर कोई दूसरा प्रयोग में ला रहे होते हैं तो उसका निर्देश कुछ ऐसा दिखता है। ये निर्देश है HTML 4.01 ट्रांजिशनल का है, और उसका निर्देश ये थोड़ा पहले बड़ा होता था। HTML5 का निर्देश बहुत साधारण है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देना आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे आपका ब्राउजर जो आपने कोड लिखा है उसे समझ में आ जाएगा कि आप HTML5 के
अंतर्गत अपना कोड लिख रहे हैं और वो उस कोड के कथनों को उसी प्रकार प्रोसेस करेगा जिसे हम बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दूसरा जो आप देखेंगे वो होता है HTML और उसका होता है बंद करने वाला टैग होता है /HTML। तो इसी के अंदर आपके बाकी HTML के निर्देश आएंगे, इसके बाहर आपने कुछ नहीं लिखना है, मतलब HTML का कुछ भी इसके बाहर नहीं आएगा। सारा HTML से संबंधित जो भी कोड है या आपके जो कथन है वो सब इसके अंदर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप हमारे कोड में देखें, इसके बाद HTML का कोड है, इसमें कुछ चीजें जो आपको ज्यादा दिखाई दे रही हैं वो मैं अभी निकाल देता हूं, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो HTML आप देख रहे हैं यहां से लिखा है, इसके बाद और कुछ HTML का कोड है, फिर बॉडी लिखा है और HTML लिखा है, इसके बाद हमें कुछ नहीं लिखना, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और सबसे जरूरी बात इसके संबंध में ये है कि ये जो टैग है HTML का, ये सिर्फ एक ही बार प्रयोग में आता है एक HTML पेज के अंदर, जो आपने फाइल बनाई ये दोबारा दोबारा आप नहीं लिखेंगे, ये गलत है। इससे हमें, हम ब्राउजर को निर्देश दे रहे हैं कि हमारा असल HTML कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ HTML खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे हमने बात की थी, ये चिन्हित करने की तरीका है, तो ये मार्कअप HTML का है, इससे हम बता रहे हैं कि HTML कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ये समाप्त हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। हेड और टाइटल। तो हेड, अब हेड के अंदर आप देखेंगे काफी कुछ लिखा है, अभी के लिए इन चीजों को मैं हटा देता हूं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्या है, धीरे धीरे इसकी जानकारी समझ में आ जाएगी। अब आपको ये समझना, ये जो हेड के अंदर जो है, ये हेडिंग आपने सुना होगा, पर ये हेडिंग जो है आपको सीधे सीधे नहीं दिखाई देगी, इसके अंदर जो भी लिखा होता है ये एक आंतरिक जानकारी होती है, जो आपने पहले कुछ लिखा होता है ये सब आंतरिक जानकारी थी, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ एक समझने की और जरूरी चीज है कि टाइटल, तो इसका पेज का क्या नाम है, जो भी हम यहां लिखते हैं वो हमें आपको ब्राउजर के टाइटल बार पे दिखाई देगा। अभी अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये एक काफी जरूरी चीज है, ये एक तरीके से जानकारी देता है इस पेज के बारे में, तो आपको एक सही टाइटल देना जरूरी होता है। तो आप लिख सकते हैं, तो इसको अगर मैं सेव कर देता हूं यहां पे और फिर से इसे रिलोड करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ये हमारा टाइटल बदल गया है, यहां टाइटल मिलता है। इससे कई बार जब आप वेब पेज बनाएंगे तो जो आपके सर्च इंजन होते हैं उनको काफी सहायता मिलती है ये जानकारी के लिए कि ये आखिर पेज किस बारे में है, तो टाइटल जरूरी होता है और एक अच्छा टाइटल देना काफी अच्छा हो जाएगा आपके वेब पेज के लिए। तो ये निर्देश हेड के है, सिर्फ इसमें टाइटल जो है आपको दिखाई देगा, बाकी जानकारी जब हम बाद में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगी कैसी आंतरिक जानकारी होती है वेब पेज के बारे में। अगला है बॉडी टैग। बॉडी टैग वो हिस्सा है, इसमें वो सारी सामग्री आती है जो आपको किसी को दिखानी है या आपको अपने वेब पेज पर देखनी है, तो इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपके वेब पेज पे नजर आएगा। तो चलिए इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसको हम अपने वेब पेज पे डाल देते हैं। तो ये हमारा वेब पेज है, अब इसको हम बदल देते हैं यहां पे, और ये मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये हिस्सा हिंदी में है, तो ये हिस्सा आप
हिंदी में लिख सकते हैं या किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, उसके लिए आपके कंप्यूटर पे वो फॉन्ट होना चाहिए और आपको वो कीबोर्ड का प्रयोग करना आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है और ये बॉडी के अंदर आएगा। इसको अगर आप बॉडी के अंदर नहीं डालेंगे तो आपका पेज ठीक से नहीं दिखाई देगा और ना ही ये हमने करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहां जो आपको नजर आ रहा है इस हिस्से में, ये जो हिस्सा है ये होता है बॉडी के अंदर जो भी होता है वो इस हिस्से में आपको नजर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो थोड़ा आउटपुट में आपको हिंदी टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है, यहाँ पे ये फॉन्ट की समस्या है और इसका HTML से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। इसके भी इस समस्या को भी हम बाद में दूर करेंगे, ये देखेंगे कैसे किया जा सकता है, पर फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी आपको दिखाना है अपने दर्शक को या आपके पेज में जो आपको चाहिए वो इस हिस्से के अंदर आएगा, बॉडी के बाहर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये जो अभी आपने देखा यह है एक छोटी सी शुरुआत आपके HTML के लिए। इसे आप प्रयोग में ला के देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि HTML की शुरुआत करना बहुत ही आसान है। अब अगले वीडियो के साथ हम देखेंगे कि बाकी टैग क्या होते हैं और उनका प्रयोग कैसे करते हैं, और साथ ही साथ बीच बीच में हम छोटी छोटी जानकारियां लेंगे कि HTML5 की क्या खासियत है और हम HTML5 ही क्यों सीख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप HTML सीखिए और इसका मजा लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।